अभी माफ कर दे, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। एक बात याद रखना, तुम इस घर से चली जाओगी ना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। दिल के दरवाजे तो आपने बहुत पहले ही बंद कर दिए थे मेरे लिए भाई, अब इस घर के भी। सदके उतारे तेरे दर्द अपने दिल पे ले लिए। ये वहां क्या करने आई थी तेरे कमरे में, वो भी रात के वक्त? ऐसी कौन सी बात थी जो दिन के उजाले में नहीं हो सकती थी, बोल। बात सुनो, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, और आपकी इन घटिया सोचों का जवाब मेरे पास नहीं, और इस घर में किसका कैरेक्टर कितना अच्छा है सब बहुत अच्छी तरह से जानते, मेरी जबान ना ही खुलवाओ तो बेहतर है। और रही बात जवाब के कमरे में जाने की, अगर इस तरह मुझसे पूछोगे तो मैं कभी जवाब नहीं दूंगी। जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा, दो जवाब, मेरा हक है पूछने का। किसने दिया ये हक? हमारे रिश्ते ने, जो साइन किए थे कागजात पे, शौहर हूं तुम्हारा, भूल गई? भूल तो तुम रहे हो, जिसके शौहर थे उसे तो उसका हक दे ही नहीं सके, और मुझसे हक लेने की बातें कर रहे हो। हाँ, मैं कहना ये चाहती थी कि मुझे लगता है कि आपकी कजिन खुश नहीं है अपने हस्बैंड के साथ। फिर आप लोगों ने क्यों वापस भेज रहे हैं? अगर इतने साल बाद उन्होंने ये स्टेप उठाया है तो जरूर एडजस्ट करने की भी कोशिश की होगी, अपने रिलेशन को चांसेस भी दिए होंगे। बड़े फैसला करते वक्त हम लड़कियों की खुशियों को क्यों नजरअंदाज कर देते हैं? मांगने पर माफी मिल सकती है, बेटी नहीं। सच्ची बात यह है कि आपके तानों से तंग आके उसने फैसला किया, सारे उसके पीछे पड़े हुए थे, सारे दुआले हुए थे, क्या करता वो? अब खुश हो गए ना सब लोग, सबके कलेजों में ठंड पड़ गई है ना, कि घर से एक हिस्सा खाने वाला दफान हुआ। कमाल करती हो तुम, वो हम दुश्मन है उसके। बिल्कुल खैर खैरियत से है तुम्हारा बेटा, उसने सज्जाद को फोन करके बताया नहीं कि मैं पहुंच गया हूं, वो ठीक ठाक हूं। अपने दिल को संभालो, औलाद की बेहतरी के लिए माँ बाप को अपने सीने पर बड़े से बड़ा पत्थर रखना पड़ता है। ना जी ना, मैं नहीं रख सकती पत्थर, मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है। मैं जानती हूँ अम्मा, आप मुझसे बहुत दूर जा चुके हैं, हमारे बीच अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, मगर फिर भी ना जाने क्यों मेरे दिल में एक आस थी, एक उम्मीद थी कि शायद आप लौट आए, फिर से सब पहले जैसा हो जाए, मेरी जिंदगी में कोई खुशियां लौट आए। लेकिन आज आपकी और नाज़नीन की तस्वीर देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी, कितनी गलत थी।